दार्जिलिङ जिल्ला पुलिसको तत्त्वावधानमा आजदेखि दार्जिलिङ कप नाममा भलिबल प्रतियोगिता सुरु गरियो। जिल्लाभरिका 140 वटा दलले अंशग्रहण गरिरहेको यस प्रतियोगितामा दार्जिलिङ सदरका 12 वटा दलले भाग लिइरहेको दार्जिलिङ पुलिसले बताएको छ। विशेष युवाहरूलाई खेलप्रति आकर्षित तुल्याउने उद्देश्यले नै दार्जिलिङ पुलिसले यस प्रकारका विभिन्न खेलहरूको आयोजना गर्दै आइरहेको छ। पूरा जिले में हम लोग ये दार्जिलिंग कप वॉलीबॉल टूर्नामेंट हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। नियर अबाउट इंटायर डिस्ट्रिक्ट से 100+ टीम इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका नाम है दार्जिलिंग कप। सदर पीएस में आज जो है इस कप का इनिशिएशन है पुलिस स्टेशन, सदर पुलिस स्टेशन में। यहाँ से 12 टीम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉयज़ सेक्शन में, गर्ल्स सेक्शन में 5 टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ से जो चैम्पियन निकलेगा, हर एक थाने से जो चैम्पियन निकलेगा वो हम डिस्ट्रिक्ट में हम लोग इंटर विद इन देमसेल्फ खिलाएंगे उन लोगों को। और चैंपियन टीम के लिए हम लोग जो अवार्ड रखे हैं वो 25,000 का रखे हैं, रन अप के लिए हम लोग रखे हैं 15,000, बोथ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स कैटेगरी। तो एज ए मार्क ऑफ कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम ये हम लोग कर रहे हैं, सो दैट जो यंग जनरेशन है वो डाइवर्टेड ना हो जाए, वो मेन स्ट्रीम में रहे और खेल में उन लोगों का ध्यान बना रहे। और क्या क्या एक्टिविटीज रहेगा वॉलीबॉल के अलावा? देखिए पोस्ट वॉलीबॉल हम लोग एक बैडमिंटन का भी एक टूर्नामेंट करेंगे। इससे पहले हम लोग फुटबॉल का भी एक टूर्नामेंट किए थे, उसका नाम भी दार्जिलिंग कप ही था, इंटायर जिले में ये हुआ था। और वॉलीबॉल टूर्नामेंट के बाद हम लोग और सोचेंगे हम लोग कैसे यहाँ लोकल यूथ को एंगेज कर सकते हैं, उसको मीनिंगफुली वो लोग स्वस्थ रहे और मेन स्ट्रीम में रहे, ये हम लोग सोचेंगे इसके बाद क्या करेंगे। आज कौन कौन डिपार्टमेंट की ओर से दार्जिलिंग पुलिस की ओर से कौन कौन प्रेजेंस है? अभी कुछ देर पहले तो एसपी सर प्रेजेंट थे। ये तो दार्जिलिंग पुलिस का ही कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम है, इसे पुलिस का अभी देखिए डीएसपी डीआईबी साहब यहाँ पर प्रेजेंट है। इसी सदर के चार्ट में जो है भूषण साहब वो भी यहाँ पर प्रेजेंट है और DIO1 चौंग साहब भी यहाँ पर प्रेजेंट है। सबको ही हम लोग का हम लोग यहाँ पर खेल का आनंद ले रहे हैं। से यंगस्टर है जो यूथ है स्पोर्ट्स प्लेयर है, उन लोगों को क्या आप मैसेज देना चाहते हैं आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? देखिए खेल ऐसा चीज़ है कि वो फिटनेस का भी बड़ा बढ़ावा देता है। मेन स्ट्रीम में लड़के लोग यंग जनरेशन वो डाइवर्टेड ना हो, इसमें वो लोग बने रहेंगे तो अच्छा होगा, समाज के लिए भी अच्छा है। और हम लोग दार्जिलिंग के लिए हम लोग का ये ड्रीम है कि यहाँ पर लड़के जो यंग एज के लड़के हैं वो अच्छे यहाँ से खेल में उन लोग का ध्यान बना रहे, वो लोग अच्छे से यहाँ पर खेले, बाहर जाके भी वेस्ट बंगाल का नाम वो लोग रोशन करें। अभी आपने बोला कितने टोटल टीम्स है वॉलीबॉल बॉयज़ के लिए? देखिए इंटायर डिस्ट्रिक्ट में तो टोटल बॉयज़ और गर्ल्स को मिला के 140 से ज़्यादा टीम्स हैं। और यहाँ पर जो है 12 टीम्स सदर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं फॉर कॉम्पिटिंग विद फॉर चैम्पियनशिप विद इन द पुलिस स्टेशन। जो टीम है वो 5 टीम है।
दे आर कॉम्पिटिंग विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सदर पुलिस. एक चैंपियन टीम यहाँ से निकलेगा और जिले में हम लोग सब टीम को लेकर फाइनल करेंगे. यो दार्जिलिङ पुलिस द्वारा अर्गनाइज गरेको दार्जिलिङ कप भलिबल टुर्नामेन्ट आज सदर पुलिस स्टेसनद्वारा आयोजित गरिएको छ जिटिनएस ग्राउन्डमा. यो भलिबल टुर्नामेन्ट चाहिँ आज स्टार्टिङ म्याच हो. यसमा टोटल मिलाएर मेल पार्टिसिपेन्ट्स मेल टिमको पार्टिसिपेन्ट्स 12 छ र वुमन टिमको पार्टिसिपेन्ट्स 5 छ. यो प्रतियोगिता आजदेखि सुरु भएर गइरहेको छ र सोमबारको दिन यसको फाइनल म्याच हामी अर्गनाइज गर्नेछौँ. साथै यो भलिबल टुर्नामेन्ट जुन चाहिँ छ प्रत्येक थानामा दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट पुलिसको प्रत्येक थानामा अर्गनाइज गरिएको छ र त्यहाँको विजेताहरूलाई चाहिँ हामी डिस्ट्रिक्ट लेभल टुर्नामेन्ट पनि अर्गनाइज गरेर त्यहाँनिर क्यास प्राइज 25,000 विनर्सलाई त्यो पनि राखेको छ. यो जुन चाहिँ 12 टिमको जुन चाहिँ 12 टिम र 5 टिम फिमेलको 5 टिम मेल 12 टिम जुन चाहिँ छ यो ओपन क्याटेगोरीमा हो. यो सबै हाम्रो जुन चाहिँ आज अहिले अर्गनाइज गरेको छ यो सदर पुलिस स्टेसनले अर्गनाइज गरेको हो र सदर पुलिस स्टेसन जुरिडिक्सनमा जतिवटा क्लबहरू छ उनीहरूले पार्टिसिपेट गरेको छ.